प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मुकरम हुसैन सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इंशाल्लाह आज से आपके एमसीक्यूज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, ये तमाम एमसीक्यूज हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे और आप इन्हें बहुत अच्छी तरह रीड करिएगा, सुनिएगा बार बार। एमसीक्यूज आपको पता है याद करने की चीज़ नहीं, ये याद नहीं करते। जो मैं आपको रिकॉर्डेड एमसीक्यूज दे रहा हूँ अपनी आवाज़ के साथ, आप इन्हें अच्छा करके बार बार सुनेंगे। ठीक है बच्चों, बात करनी है आपसे, चैप्टर वन से आगाज करना है। बच्चों, चैप्टर वन का नाम है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री का एमसीक्यू नंबर वन, और इसका ताल्लुक आपकी बुक से है। पहले मैं आपको आपकी बुक वाले क्वेश्चन समझा रहा हूं। नंबर वन, इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एट एस सी पी इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो 44.82 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये बच्चों 2 मोल का है। 1 मोल का 22.41 होता है और 2 मोल का 44.82। ठीक है, आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन वेसल। 44.82 का मतलब 2 मोल, और 2 मोल का वॉल्यूम होता है 2 मोल। 2 मोल में मॉलिक्यूल एवोगैड्रोज नंबर का डबल होंगे। अगर यही वॉल्यूम 22.41 होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 × 10³ होंगे, और चूंकि ये 2 मोल है इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रोज नंबर का डबल होंगे, यानी 6.02 × 10³ × 2। अब आप अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हाफ मोल के मॉलिक्यूल हैं, एवोगैड्रोज नंबर का हाफ है। ऑप्शन बी, ये एवोगैड्रोज नंबर है। ऑप्शन सी, ये एवोगैड्रोज नंबर का डबल है। और ऑप्शन डी, ये एवोगैड्रोज नंबर का 4 टाइम है। तो अगर वॉल्यूम 89.64 होता तो ऑप्शन डी होता। वॉल्यूम 44.82 है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 12.04 × 10³। और अगर वॉल्यूम 22.41 होता तो ऑप्शन बी होता। और वॉल्यूम अगर 11.205 होता तो ऑप्शन ए होता। अभी वॉल्यूम 2 मोल का है इसलिए करेक्ट आंसर, इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर सी होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर में कार्बन एटम अप्रोक्सीमेटली। बच्चों अगर आप फार्मूले को गौर से देखें तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन 12 है। ठीक है, अगर कार्बन एक होता, एक मॉलिक्यूल में अगर कार्बन एक होता तो 1 मोल में कार्बन एटम एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होते हैं, 6.02 × 10³। अगर अगर शुगर में कार्बन 12 की बजाय 2 होते तो टोटल कार्बन कितने होते, एवोगैड्रोज नंबर का डबल। अगर शुगर के एक मॉलिक्यूल में कार्बन 3 होते तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते, एवोगैड्रोज नंबर का ट्रिपल होते।
लेकिन अभी कार्बन कितने हैं? 12। तो बच्चों 1 मोल में कार्बन एटम 6.02 × 10^23 होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये अप्रोक्सीमेटली 72 × 10^23 आएगा। तो 1 मोल अगर शुगर है तो उसमें कार्बन के जो एटम होंगे वो एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाई बाय 12 होंगे। अब आप अगर गौर करें तो ऑप्शन ए एवोगैड्रोज नंबर के तकरीबन बराबर है। ऐसा जब होता जब कार्बन एक होता, और ऑप्शन बी एवोगैड्रोज नंबर का 4 टाइम है। तो ऐसा जब होता जब शुगर में कार्बन 4 होते, और ऑप्शन सी एवोगैड्रोज नंबर का 5 टाइम है। ऐसा जब होता जब कार्बन 5 होते, और ऑप्शन डी ये एवोगैड्रोज नंबर का 12 टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल अगर शुगर हो तो उसमें कार्बन के पार्टिकल की तादाद 72 × 10^23 होगी अप्रोक्सीमेटली। ओके, और बात अगर करूं मैं आपसे इन द रिएक्शन, और रिएक्शन आप देख भी रहे हैं, आप अगर गौर करें तो रिएक्शन में सोडियम 2 है और वाटर भी 2 है। इनका रिएक्शन हुआ तो ये बन गया 2NaOH और H2। आप देख रहे हैं 2 मोल है सोडियम और 2 मोल से हाइड्रोजन बन रहा है 1 मोल, और 2 मोल का मतलब 46। तो 46 ग्राम से हाइड्रोजन कितनी? 1 मोल। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 46 ग्राम से 1 मोल, और 1 मोल का मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 22.41 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, अगर सोडियम 46 की बजाय अगर 23 ग्राम हो तो डेफिनेटली 46 ग्राम से हाइड्रोजन 1 मोल यानी 22.41, तो 23 ग्राम आधा हो गया, तो फिर वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो 22.41 का हाफ 11.205। जबकि हमसे पूछ रहे हैं इफ 23 ग्राम सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर, 23 ग्राम सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना लिबरेट होगा? अगर सोडियम 46 होता तो 22.41, लेकिन सोडियम 23 है तो 22.41 का हाफ, हाफ मतलब 11.2 डेसीमीटर। ठीक है, नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज दैट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम। बच्चों सबसे पहला काम आपको ये समझना पड़ेगा कि 20 ग्राम कैल्शियम कितने मोल के बराबर होता है। ओके, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। तो 20 ग्राम, बच्चों 20 ग्राम अगर कैल्शियम है तो मोलर मास 40, मोल कितने बन गए? 0.5। इसका मतलब 20 ग्राम कैल्शियम के मोल 0.5 होंगे, 0.5 मोल।
ओके, अब आपसे कह रहे हैं, अच्छा 0.5 मोल, और 0.5 मोल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? एवोगैड्रोज नंबर का हाफ। जब मोल हाफ है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एटम भी, एवोगैड्रोज नंबर का हाफ क्या होता है? 3.01 × 10³। आपसे ये पूछ रहे हैं कि 20 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम हैं उतने ही एटम और किस में होंगे? उसी में होंगे जिसका मोल हाफ होगा। अब आप गौर करें बच्चों, आप अगर गौर करें तो 24 ग्राम मैग्नीशियम का मतलब 1 मोल, ठीक है? 19 ग्राम पोटाशियम का मतलब हाफ से थोड़ा कम, क्योंकि पोटाशियम का मोलर मास 39, और इसका हाफ करेंगे तो 19.5 होगा। तो 19 ग्राम में हाफ से भी कम मोल होंगे, ठीक है? और 20 ग्राम कार्बन में मोल एवोगैड्रोज नंबर से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन का मोलर मास होता है 12 और ये 20 है, तो डेफिनेटली मोल बनाएंगे तो 2 के करीब करीब होंगे। 16 ग्राम सल्फर, सल्फर का मोलर मास, सल्फर का मोलर मास होता है 32, ये बना 0.5 मोल। तो पता ये चला कि 20 ग्राम कैल्शियम 0.5 मोल, 16 ग्राम सल्फर 0.5 मोल। ओके, जब 0.5 मोल में एटम इतने हैं तो इसके 0.5 मोल में भी एटम 3.01 × 10³ होंगे। इसका मतलब जितने एटम 20 ग्राम सल्फर में है उतने ही एटम, जितने एटम 20 ग्राम कैल्शियम में है उतने ही एटम 16 ग्राम सल्फर में होंगे। और बात अगर करूं मैं आपसे नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसका मतलब 4 स्टेटमेंट देने दिए होंगे, 4 में से 3 करेक्ट होंगे, एक ही इनकरेक्ट होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 4। बच्चों चौथे ऑप्शन को अगर देखें आप, डी 1 मोल O2 ऑक्यूपाई 22.41 dm³। बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन है ये, करेक्ट थोड़ी पूछ रहे हैं। 22.4 dm³ का मतलब 1 मोल, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ एटम इन 23 ग्राम सोडियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर इक्वल। सही बात है, 23 ग्राम सोडियम का मतलब 1 मोल, 24 ग्राम मैग्नीशियम का मतलब 1 मोल। जब मोल इक्वल हैं तो फिर एटम भी इक्वल होंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मगर आपसे करेक्ट ऑप्शन थोड़ी पूछ रहे। 1 मोल H2 गैस कंटेन 6.02 × 10³³ मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। मगर आपसे करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछ रहे, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। अब डेफिनेटली 1A, मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन गैस। बच्चों क्लोरीन गैस का मतलब Cl2, क्लोरीन गैस का मतलब Cl नहीं है, क्लोरीन गैस का मतलब है Cl2, और Cl2 का मास 71 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन 30.35.5, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फॉर एवोगैड्रोज नंबर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर वही वाली बात, एवोगैड्रोज नंबर के बारे में
आपसे पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा। तीन स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, 1 2 3 4। आप अगर बच्चों आप अगर ऑप्शन ए देखें, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सही बात है। एवोगैड्रोस नंबर, वन मोल में पार्टिकल की तादाद होती है, बिल्कुल करेक्ट। मगर आपसे करेक्ट थोड़ी पूछ रहे हैं। बी, न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 6.02 × 10²³ एकदम करेक्ट। इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नो। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कभी इंक्रीज नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो बच्चों इनकरेक्ट ऑप्शन ये वाला है, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर भी यही वाला होगा। डी, इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते हैं जब, तो क्या होता है बेटा, एवोगैड्रोस नंबर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी करेक्ट है। तो ए बी और डी ये करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। और मिनिमम नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन, मिनिमम नंबर ऑफ मोल आर प्रेजेंट इन, बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ मोल उसमें कम होंगे जिसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अच्छा अब आप इसको चेक करते हैं, आपसे कह रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब मीथेन, 5 डेसीमीटर क्यूब हीलियम, 10 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन, इन सब में सबसे कम वॉल्यूम ऑप्शन ए है। तो वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ मोल भी कम होंगे, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ठीक है बेटा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में मोल भी सबसे कम होंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन 60 ग्राम कार्बन, पहले मुझे बताइए कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो अगर 12 ग्राम कार्बन है तो 6.02 × 10²³ एटम होंगे, ठीक है। और 60 का मतलब 12 × 5, ये हो गया 60। इसका मतलब 12 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 60 ग्राम का मतलब 5 मोल। तो 1 मोल में पार्टिकल इतने, तो 5 मोल में कितने होंगे, 6.02 × 10²³ × 5, ठीक है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 60 ग्राम कार्बन में पार्टिकल कितने होंगे, तो 60 ग्राम का मतलब 5 मोल, 12 × 5 = 60। तो आप अगर एवोगैड्रोस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 5 × 6 = 30, 30 और 0.30.1 × 10²³, ठीक है। अगर डेसिमल को यहां ले आए तो ये बन जाएगा 3.01 × 10²24। तो पता चला कि 5 मोल अगर कार्बन है तो पार्टिकल की तादाद बच्चों इतनी होगी, ठीक है, यानी 60 ग्राम कार्बन में पार्टिकल इतने होंगे। अब आप अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी 3.01 × 10²24, 60 ग्राम कार्बन में पार्टिकल की तादाद इतनी होगी, जबकि मैक्सिमम
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसके मोल ज्यादा होंगे या जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं दे रहे, मोल भी नहीं दे रहे, हमें ग्राम दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपको रफली इनको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 ग्राम ऑक्सीजन अपॉन 32 ये बन गए मोल, 100 ग्राम CH4 अपॉन 16 ये बन गए इसके मोल, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 44 ये बन गए इसके मोल, 100 ग्राम क्लोरीन अपॉन 71 ये बन गए इसके मोल। अब आप अगर गौर करें तो डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा ये है 71, तो इसका मतलब सबसे छोटा आंसर ये होगा, सबसे छोटा आंसर ये होगा, और सबसे बड़ा आंसर ये होगा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मोल इसमें निकलेंगे। तो सबसे ज्यादा मोल अगर इसमें है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डेफिनेटली इसी में होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका 100 ग्राम CH4, बच्चों 100 ग्राम CH4। और जनरली एक्चुअल ईल्ड इज, बच्चों आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था एक्चुअल ईल्ड, परसेंटेज ईल्ड, थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं स्टोशियोमेट्री, उससे हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा थ्योरेटिकल ईल्ड होता है, मगर एक्सपेरिमेंटली जब हम कोई रिएक्शन करते हैं प्रैक्टिकली, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल ईल्ड ज्यादा होती है, एक्चुअल ईल्ड कम होती है। ऑप्शन ए दे रहे हैं आपको कि एक्चुअल ईल्ड ग्रेटर होती है देन थ्योरेटिकल ईल्ड, नेवर, एक्चुअल ईल्ड हमेशा कम होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इक्वल, और ये ऑप्शन बिल्कुल फजूल ऑप्शन है, ठीक है। बच्चों लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे इसमें जिसके मोल ज्यादा होंगे या जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो 10वां एमसीक्यूज एंड हुआ है ये बेटा आपके बुक के एमसीक्यूज हैं, इन्हें आपने बहुत अच्छा करके करने हैं। चले अब प्रैक्टिस के लिए मजीद उन जैसे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल जिसमें ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा होंगे, या वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसमें ज्यादा होंगे, है ना। लेकिन हमें ऑप्शन ना मोल में गिवन ना वॉल्यूम में गिवन, मास में गिवन है, कोई बात नहीं मोल निकालेंगे। बच्चों इथाइल अल्कोहल का मोलर मास आपको याद होगा 46, तो 4.6 अपॉन 46 मोल आ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28, 2.8 अपॉन 28 का मतलब 0.1 मोल, और 5.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका मोलर मास होता है 108, ठीक है। जब आप इसको निकालेंगे तो 0.0 समथिंग होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन 3.6 ग्राम वाटर अपॉन 18। अब आप जब मोल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा मोल 3.6 अपॉन 18 करने से आएंगे, इसका मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसके मोल ज्यादा है, और मोल 3.6 ग्राम वाटर के सबसे ज्यादा है।
ठीक है। और बच्चों, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 28 ग्राम नाइट्रोजन। बच्चों 28 ग्राम का मतलब 1 मोल, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, तो 28 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम सभी जानते हैं 22.41 डेसीमीटर क्यूब। नो नो नो, यस 22.41 डेसीमीटर क्यूब। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो अर्लियरली कंज्यूम हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, विच प्रोड्यूसेस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बस लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन आपसे कह रहे हैं इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी। नो, जिसको कम क्वांटिटी में लेते हैं वो लिमिटिंग नहीं होता। अच्छा, इन ग्राम, ग्राम से तो ताल्लुक ही नहीं है। अगर मिनिमम लेसर क्वांटिटी अगर मोल में होती तो फिर भी बात सही थी, ये ऑप्शन गलत है। इज टेकन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, ये वाली बात भी गलत है। थोड़ी थोड़ी सही लग रही है, लेकिन क्या पता इसके बाद वाला आंसर इससे भी अच्छा हो। गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल नहीं। और गिव मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। 1 मोल कार्बन 12 हैज मास। देखिए, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, तो 14 की बात नहीं हो रही, हटा दें। 13 की बात नहीं हो रही, हटा दें। कार्बन 12, ठीक है, 1 मोल कार्बन 12 का मतलब है 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम करेक्ट आंसर है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किलोग्राम में ऑप्शन दिए हुए हो, कोई बात नहीं, क्या करेंगे आप, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर लें, हो गया किलोग्राम। आंसर आया 0.012 kg। तो 1 मोल कार्बन 12 में, 1 मोल कार्बन 12 का मास या तो 12 ग्राम होगा या 0.012 किलोग्राम होगा, 1 किलोग्राम नहीं होगा। 0.022, नेवर। 12 kg, नेवर। करेक्ट आंसर इसका 0.012। ओके बेटा, नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन हाइएस्ट परसेंटेज बाय मास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आप मेरी बात सुने, डेफिनेटली इस तरह कोई करेक्ट ऑप्शन रेड कलर में तो आएगा नहीं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अगर आप अमोनिया में निकालें तो नाइट्रोजन कितने हैं, 1, 1 का मतलब 14 ना, अमोनिया का मोलर मास 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज आ गई। अच्छा, अगर आप यहां पर परसेंटेज निकालें तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2, 2 का मतलब 28 अपॉन 32 × 100, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की परसेंटेज यहां पर नाइट्रोजन 1 है, 14। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का मोलर मास होता है 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या होगा, नाइट्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नाइट्रोजन 1 है तो 14, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 35, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, परसेंटेज आ जाएगी।
जरूरी नहीं है कि हर एमसीक्यूज को आपने पढ़ा और टिक कर दिया। कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जिनमें ये वाला काम करना पड़ता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा यहां निकल रही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ये है। और बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको सेट बना के दे रहे हैं। पहला सेट एयर, एयर मिक्सर है, वाटर कंपाउंड है, सोडियम एलिमेंट है, ये सेट कंपाउंड का सेट नहीं है। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, अमोनिया कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड नहीं है। मिल्क मिक्सर है, एयर मिक्सर है, सल्फर एलिमेंट है, ये तीनों भी कंपाउंड नहीं है। मगर आप गौर करें, सॉल्ट कंपाउंड है, शुगर कंपाउंड है, HCl कंपाउंड है, तो ये वाला जो सेट है ये कंपाउंड का सेट है। ओके, और बात अगर करूं मैं आपसे बच्चों, नेक्स्ट 17 आप अगर गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन गैस। एक बात याद रखना, ये क्लोरीन गैस है, ठीक है, और क्लोरीन गैस का मतलब होता है Cl2, इसको कहते हैं क्लोरीन गैस। ओके, और इसका मास डेफिनेटली 71 होगा। तो मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन, ये 1 मोल ही तो है, और 1 मोल का मास 71। आपसे कह रहे हैं 35.5, हो ही नहीं सकता, 23 पॉसिबल ही नहीं है, 32 पॉसिबल ही नहीं है, 71 ये 1 मोल क्लोरीन का मास होगा। ओके बेटा, 18 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 3.2 ग्राम CH4, CH4 में, सॉरी CH4 में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अच्छा, 3.2 ग्राम CH4 में, CH4 के मोल नहीं पूछ रहे, 3.2 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन के मोल पूछ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि पहले आप 3.2 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन का मास मालूम करें। और आपको ये तो पता होगा कि CH4 का मतलब है 16 ग्राम CH4, और बच्चों कंटेन 4 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन 4 ग्राम, 1 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन 4/16 ग्राम हाइड्रोजन, और 3.2 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन 4/16 × 3.2। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.8 ग्राम। तो पता ये चला कि 3.2 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन 0.8 ग्राम होगा। इसको मोल में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम की बात हो रही है, तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब मोल भी 0.8 आ गए। तो 3.2 ग्राम CH4 में हाइड्रोजन के मोल 0.2 नहीं, 0.6 भी नहीं, 0.8 मोल होंगे। तो करेक्ट आंसर बच्चों ये हुआ। 19 आप अगर इस क्वेश्चन को गौर करें तो बिल्कुल सिमिलर है, 18 और 19 बिल्कुल एक जैसे दो क्वेश्चन है, जैसे इसको किया है बिल्कुल उसी तरह
इसको भी करेंगे। कैसे? व्हाट आर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल नहीं पूछ रहे, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के मोल पूछ रहे हैं। तो पहले ऑक्सीजन का मास चेक करना पड़ेगा। आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन 12, ऑक्सीजन 32। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 32/44 ग्राम ऑक्सीजन, और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 32/44 × 11। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 वन ज़ा 11, 11 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32। इसका मतलब आंसर आया 8 ग्राम ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन का मास आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं मोल, मगर मोल O2 के नहीं, एटम के। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या करना होगा, मास को एटम का मोलर मास 16, एटम की बात हो रही है ना, और ये बन गया 0.5। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के जो मोल होंगे वो 0.5 होंगे। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन 0.5 ग्राम, सॉरी 0.5 मोल ऑक्सीजन इतने होंगे। नेक्स्ट बच्चों 20, 20 में लिखा हुआ है, 20 में लिखा हुआ है आ नेकलेस, नेकलेस मतलब हार, आ नेकलेस हैज 6 ग्राम डायमंड। एक नेकलेस है जिसमें लगा हुआ है 6 ग्राम डायमंड, और आप ये बात जानते हो कि 6 ग्राम डायमंड, और डायमंड का मतलब प्योर कार्बन, डायमंड का मतलब प्योर कार्बन, कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होता है, तो डायमंड का भी 1 मोल 12 ग्राम के बराबर हुआ, लेकिन 6 ग्राम डायमंड का मतलब हाफ मोल, डायमंड का मतलब प्योर कार्बन, इसका मतलब ये हुआ 6 ग्राम कार्बन का मतलब हाफ मोल, तो डायमंड हाफ मोल लगा हुआ है, तो इसमें कार्बन के एटम कितने होंगे, एवोगैड्रोज नंबर का हाफ। अगर ये डायमंड 12 ग्राम का होता तो 6.02 × 10^23 एटम होते, मगर ये 6 ग्राम है, इसका मतलब हाफ, यानी 3.01 × 10^23। बच्चों 6 ग्राम डायमंड में कार्बन के एटम इतने होंगे। ओके, आपसे कह रहे हैं इतने होंगे, नो 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 यस, ठीक है, अच्छा 6.02 × 10^23 कब होते, जब डायमंड 12 ग्राम होता, और इतने एटम कब होते, जब डायमंड 24 ग्राम होता, है ना बेटा, और डायमंड 6 ग्राम है तो नंबर ऑफ एटम इतने होंगे। ठीक है बच्चों, इन 20 MCQs को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक और लेक्चर सेंड करूंगा जिसमें 21 के बाद वाले MCQs इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपको परेशान करे तो मुझे
व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा समझा दूँ, ठीक है? और अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। पढ़ाई का ख्याल रखा तो मतलब अपना ख्याल रखा, तो इनशाला अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इनशाला बहुत जल्द आपको लेक्चर 2 सेंड करूंगा। थैंक यू, जजाकल्ला, बहुत खुश रहिएगा, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।